दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे DSSSV JJ एग्ज़ाम के बारे में, क्या कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो जो आपका डिस्क्रिप्टिव यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको यहाँ पर ऐसे देखने का जो है यहाँ पर मिला है क्वेश्चन, और ऐसे एक या कोई ऑप्शन है नहीं उसके अंदर। तो जो ऐसे आए थे वो यहाँ पर आया था एजुकेशन, एम्प्लॉय और बिजनेस के ऊपर, तो ऐसा करके कुछ एक ऐसे आया है आप सब लोग के लिए यहाँ पे। उसके बाद आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे ग्रामर के आए, ग्रामर के अंदर अगर बात करें तो इनकरेक्ट सेंटेंस आए थे, एक दो आपका एक्टिव पैसिव और नरेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला था, कुछ क्वेश्चन है जो यहाँ पे क्वेश्चन टैग के यहाँ पे देखने को मिले, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके यहाँ पे देखने को मिले। अगर हम बात करें यहाँ पे ट्रांसलेशन के अंदर, तो ट्रांसलेशन के अंदर आपको एक वर्ड दिया गया है, उसके बाद आपको उसका हिंदी अनुवाद लिखना था। अगर ट्रांसलेशन की बात करें यहाँ पे, तो जैसे वर्ड आए थे मंत्री परिषद है जो हिंदी में आया था उसका इंग्लिश करना था, कुछ हिंदी में दे रखे थे उनका इंग्लिश करना था, कुछ इंग्लिश में दे रखे थे उनका हिंदी करना था। इंग्लिश में जैसे आ रखे थे यहाँ पे बेनिफिशरी, और अगर बात करें यहाँ पे तो कैपिटलिज्म, और अगर बात करें यहाँ पे और जो कुछ वर्ड हमें बताए यहाँ पे स्टूडेंट्स ने, तो यहाँ पे मंत्री एक यहाँ पे आया था संपादक को यहाँ पे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसी तरह के आपके जो है वन वर्ड आए थे उसको आपको हिंदी या इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ पे करना था। बाकी आपका पेपर यहाँ पे इजी आ रहा है, कोई कुछ हार्ड एंड फास्ट यहाँ पे रूल नहीं है, कोई ईडीएम फ्रेज यहाँ पे नहीं पूछे गए, एंटो सिनोनिम्स यहाँ पे नहीं पूछे गए। तो फिलहाल यही कुछ लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी के लिए। अगर आपको कोई भी डाउट है DSSSV JJ एग्जाम से रिलेटेड, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई वहाँ पर जरूर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।